मुझसे पूछा किसी ने कि ये कैसे संभव है। धरती पे तो राम हमें लाए हैं, तो वो राम को कैसे लेकर आ गए। मैंने उनसे पूछा कि जनाब जब मस्जिद के नीचे राम दबे हुए थे तब नजर नहीं आया आपको, नीचे से जो ऊपर ले आए उसे ही राम को लाना कहते हैं, उसे ही राम को लाना कहते हैं। मेरे जैसे नौजवानों ने वो समय नहीं देखा, लेकिन उन्हें मेरा नमन है, उन कार सेवकों को। लेकिन मेरे नौजवानों ने, मेरे भाइयों ने, इस युग में अगर कोई सच्चा राम का भगत देखा है तो वो वही है जिसने राम का मंदिर अयोध्या में बनवा दिया। हमारे हरियाणा का लड़का नीरज चोपड़ा भाला फेंका, गोल्ड मेडल लेकर आए, गोल्ड मेडल लाए स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। सारे मुख्यमंत्रियों ने, सब ने हमारे भाई को बधाई दी, क्यों, काम अच्छा किया। तो हम 80 करोड़ हिंदुस्तानियों, 80 करोड़ हिंदुओं की, 80 करोड़ राम के भक्तों की आस्था जिसने वापस जगा दी, क्या हम उस प्रधानमंत्री का धन्यवाद नहीं कर सकते साहब। हमें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए हमें। हम उस राम के भगत का धन्यवाद नहीं कर सकते। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। 2014 से पहले हम क्या महसूस करते थे और 2014 के बाद हम क्या महसूस करने लग गए। दुनिया को लगता है अराजकता बढ़ गई, जब हिंदू हिंदू की बात करता है तो अराजकता बढ़ जाती है, जब कोई मुस्लिम कट्टरता की बात करते हैं तो बोलते हैं बहुत अच्छा मुस्लिम है, कट्टर है, कोई सिख है तो कट्टर है, बड़ा अच्छा सिख है, कोई क्रिश्चियन है तो अच्छा क्रिश्चियन है, लेकिन जब हिंदू हिंदू की बात करेगा तो अराजकता फैलाता है ना जनाब। अगर ये अराजकता लगती है ना आपको तो आप सरासर गलत हैं। हम ना बीजेपी के हैं, ना कांग्रेस के हैं, ना सपा के हैं, ना बसपा के हैं, हम राम के हैं साहब, हम राम के हैं। अगर सपा ने काशी का विस्तार किया होता तो उसके लिए हम बोलते, बसपा ने अयोध्या का सत्कार किया होता हम बोलते, लेकिन जिसने कर दिया उसी का नाम लिया जाएगा साहब। हम इतने बेशुक्रे नहीं है। मैं कल बंगाल में था, कलकत्ता बोल कर आया कि अगर ममता जी ने बुर्ज खलीफा बनाकर उसके अंदर मां दुर्गा बिठाई तो मैं ममता जी को बधाई देता हूं, मैं देता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी माई को उन्होंने बुर्ज खलीफा में बिठाया। जो हमारे भगवान के लिए काम करेगा वो बधाई का पात्र है। क्या पता किस पर कितनी कृपा हो जाए प्रभु की, वो सब कुछ भूल के सिर्फ प्रभु का हो जाए। जो राम का काम करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। मेरे भाइयों, सबको मैसेज कर दो पूरे यूपी में, अब की बार जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम आया भी।
जो धरती पे गंगा जी को लेकर आया, या एक भागीरथ आज है जो काशी के मंदिर से गंगा 6.5 किलोमीटर दूर थी, वो काशी के मंदिर के साथ लगा दी सर। क्या बात करते हो साहब, फिर भी वो हमारे नहीं है, कैसे कह सकते हो ये बात? यारी दोस्ती नहीं निभानी अब की बार योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, और हे श्याम बाबा, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरी भक्ति को कभी आपने परखा हो, समझा हो, तो मेरा बल भी यूपी के उस बाबा जी को दे देना जो यूपी को चला रहे हैं। हे श्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे, श्याम कृपा करना, मेरे श्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे, मेरे श्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे। एक बार पूरी आवाज में कहना, माइक पे कोई नहीं गाएगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे, तभी राम राम जपते हैं जब चुनाव आते हैं, उससे पहले याद नहीं आते, इसीलिए ऊपर से नहीं है हम अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है हम अंदर से राम के हैं, बस इसीलिए योगी बंदे का बन के आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, कान बंद कर लेना अगर बुरा लगे तो, लेकिन मैं ये गाए बगैर जा नहीं सकता। योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे, योगी ही आएंगे, योगी ही आए हैं, योगी ही आएंगे, योगी ही आएंगे, ये यूपी संतों की फकीरों की भूमि है, इन संतों की भूमि को किसी और को नहीं सौंपना है, संतों की नगरी को बाबा जी चलाए, रेनु सुनो, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। वैसे मेरा कोरस वाला भी सही कह रहा है, देखो कितनी अच्छी बात कही उसने, संतों की नगरी को बाबा जी सजाएंगे, हिंदू है हिंदू हम बस काम की बात करें, हमने किसी धर्म को हल्का नहीं कहना मेरे भाइयों, हमने किसी को हल्का नहीं कहना, लेकिन अपने आप को हल्का होने नहीं देना है, हनुमान चालीसा का भोपू ऊंचा होना चाहिए, लेकिन किसी को कहना नहीं तेरे वाले में शक्ति कम है,
भारत को बाबा जी चला।